काम शुरू हो चुका है इस गाड़ी पे। कुछ ऐसा हाल हो गया है गाड़ी में, जो भी अलग से जो चीजें लगी हैं अच्छी हो गई काम। इस कलर पे सूट भी कर रहा है यार। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप देख रहे हैं मस्ती व्लॉग्स। तो कल ही मैंने एक नई कार, मतलब मैंने नहीं, मेरे मम्मी पापा ने नई कार ली थी, वैगनार। तो उसमें ना कुछ मॉडिफिकेशंस होने थे जो उस कल मतलब कराए नहीं थे, क्योंकि काफ़ी डिले हो गया था उसको शोरूम से निकालने में भी, तो बैठे बैठे भी बोर हो गए थे वहाँ पे, तो उसको बिना मॉडिफिकेशन के ही निकाल लिया था। तो आज कुछ मॉडिफिकेशंस कराने हैं, तो आपको वहाँ पे लेके चलते हैं, दिखाते क्या क्या मॉडिफिकेशन होने हैं गाड़ी में। 1 hour later गाड़ी यहाँ तक आ चुकी है, तो काम शुरू होने ही वाला है, बस इसमें देखते हैं। काम शुरू हो चुका है इस गाड़ी पे और अब देखते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले आया क्या, सीट कवर चेंज हो रहा है, तो देखते हैं। स्टीयरिंग कवर लग रहा है। अब दूसरी सीट पे लग रहा है, बड़ी मुश्किल से पहली सीट पे लगा है, ठीक है। आगे की सीट पे कवर चढ़ चुका है, अब पीछे की सीट पे काम शुरू हो गया, देखते हैं। वैसे सीट कवर अच्छे तो लग रहे हैं, गाड़ी के कलर से मैच भी कर रहे हैं, तो बढ़िया सा काम हो रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो भैया ने तो पूरी सीट ही निकाल दी, चलो देखते हैं। पूरी सीट निकाल के कवर चढ़ाते भैया, तो फिर फिटिंग नहीं आएगी ना। आइडिया नहीं था, हम तो घबरा गए, अभी सीट ही निकाल दी पूरी। तो कुछ ऐसा हाल हो गया है, सीट कवर चढ़ जाए फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा सा चढ़ जाए बस। मैं शुरू में तो मुझे शौक लग गया, भैया पूरी सीट ही निकल गई, ये क्या हो रहा है, पर ठीक है। तो गाड़ी का छोटा सा मंदिर भी आ गया है, अच्छे से लगाएंगे इसको भी। वैसे मम्मी का कहना था कि इस तो सेंटर में लगाना है, एकदम लाइन के सेंटर में, तो वैसे ही लगाएंगे इसको भी। और सीट कवर पे काम शुरू हो गया है, वैसे जब सीट कवर सारे चढ़ जाएंगे उसके बाद मिलते हैं। अभी आपको दिखाते हैं और क्या क्या सामान लगना बाकी है। तो ये इसके वाइजर्स हो गए गाड़ी के, ये आई गेस आगे के दरवाजों के लिए है और ये पीछे के दरवाजों के लिए है। ये भी सेम है, नहीं ये कुछ और है, ये कुछ और है, मैं नाम भूल गया, सॉरी। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, और ये पीछे के लिए, ये पीछे के लिए, तो ये चीजें हैं और वाइजर्स हो गए। ये दरवाजे में नीचे लगता है, मैं गलत बोला था शायद, कुछ दरवाजे में लगता है नीचे, स्क्रैचेस से बचाने के लिए ये काम आता है, तो ये लगाना है। देखते हैं कितना टाइम और लगता है यहाँ पे।
A few moments later. अब गाड़ी में लग रहे वाइजर्स। इधर भी ब्लीडिंग लग गई है। गार्निश पता नहीं क्या हो गया, उल्टा पुल्टा बोले जा रहा हूँ मैं। गार्निश लग गई इधर भी, अब निकलेगा इसका ये वाइट पोर्शन। तो उधर से शुरू करते क्योंकि उधर पहले लगा था। वाह बढ़िया लग रही है, जबरदस्त। टोल घाट से लग ना, वही तो मैं क्या दो चीज रहेगी। हाँ बट फ्लैप है, हाँ बट फ्लैप और सीट कवर बस इतने का नंबर लिया इसको कम्प्लीट। हाँ काम खत्म हो जाएगा। हाँ अब डोर गार्ड की बारी है। अब इधर की बारी। तो इधर भी डोर गार्ड्स लग गए हैं जैसा दिख रहा है। अच्छे लग रहे हैं गाड़ी में, जो भी अलग से जो चीजें लगी हैं अच्छी हो गई काम। इस कलर पे सूट भी कर रहा है यार, नॉट बैड। तो भैया के हिसाब से अब गाड़ी में बस पीछे के सीट कवर लगना रह गए थे, जो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इसलिए इसको रोक के रखा था। बाकी जो छोटे मोटे काम थे ब्लीडिंग और वाइजर वगैरह लगाना, वो पहले कर दिया है ताकि उसमें फिर टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो बस सीट कवर रह गया है, मड फ्लैप्स लगाने हैं और मंदिर चिपकाना है। मैं पहले दिखाया था वो मंदिर चिपका नहीं था, बस रखा हुआ था, मंदिर चिपकाना है अभी। तो तीन चीज़ें रह गई हैं, अब जब गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी टोटली तब मिलते हैं आपसे। A few moments later. फाइनली गाड़ी कंप्लीट हो गई, सीट कवर लग गए हैं, यहाँ पे मड फ्लैप लग गए हैं और सब चीजें हो गई हैं। अब निकलेंगे यहाँ से, मैट्स भी लग गई हैं, मंदिर भी लग गया है, बढ़िया से हो गया है। तो अब ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।